जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा फिजिकल एकेडमी से जीतू सर और ये मनोज फौजी सर, ये राहुल सर। देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए मैं बहुत अच्छी खुशखबरी की लहरें और खुशखबरी की बातें लेके आया हूँ। आप सभी युवागढ़ चंबा संभाग पूरा देश मेरा पूरे नए नए युवा हैं जो इंडियन आर्मी की रैली की तैयारी कर रहे हैं और बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे कि भर्ती कब आए। देखिए दोस्तों, भर्ती आ चुकी है और हम लोगों ने इतनी मेहनत की, इतना कड़ा परिश्रम करने के बाद आज हम उस मुकाम पे, आज मैं बोलने लायक हूँ कि मैं भर्ती लेके आया हूँ। मनोज सर, राहुल सर, जीतू सर और जो अहम व्यक्ति है हमारे बीच में, भारतीय जनता पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ मंत्री पद पर सतपाल सिंह भदौरिया जी, उनका हमारे पास पूरा पूरा सहयोग रहा। उनके द्वारा आज हम कलेक्टर साहब से मिले, उन्होंने हमारे सामने जस्ट ग्वालियर एआरओ में ब्रिगेडियर साहब से बात की और उनको आश्वासन दिया कि सर आप भर्ती कराइए, यहाँ से जिला कलेक्टर महोदय जी के मतलब पूरा पुलिस प्रशासन पूरा आपके साथ है। तो उन्होंने बोला है ठीक है, मार्च में 100% भर्ती है और उससे पहले पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हो सकता है कि 10 दिन के अंदर जारी हो जाए, हो सकता है फरवरी में हो जाए, लेकिन मार्च में आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, जो भी जहां भी युवा हैं, अपनी तैयारी पर जुट जाइए और आपको वीडियो इसके जस्ट इसी के बाद लगा हुआ आपको वीडियो मिल जाएगा हमारा। जय हिंद, जय भारत। आज हम ग्वालियर कलेक्टर महोदय से मुलाकात की सभी भाइयों के साथ और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मार्च 2022 तक भर्ती चालू हो जाएगी और जो भी युवा भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अपना कंटिन्यूस रखेंगे और भर्ती को लेकर बिल्कुल चिंता ना करें, भर्ती अवश्य होगी। ग्वालियर में बीआरओ के माध्यम से सभी लड़कों को भर्ती देखने का मौका मिलेगा। आज मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन किया, उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि भर्ती मार्च में होगी। जय हिंद, जय भारत।